भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज में कोरोना का मामला सामने आ चुका है। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज एडन मार्करम कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस वजह से उन्हें दिल्ली में खेले जा रहे पहले टी20 टीम में शामिल नहीं किया गया है। मार्करम हाल ही में समाप्त हुए इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा थे, वे सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेल रहे थे। टॉस के दौरान कप्तान तेम्बा बावुमा ने खुलासा किया कि दक्षिण अफ्रीकी ओपनर मार्करम पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं। उन्होंने 2 जून को भारत पहुंचने के बाद बाकी दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों की तरह पहला कोविड टेस्ट पास कर लिया था। इसके बाद दूसरे में वह कोरोना संक्रमित पाए गए। बावुमा ने टॉस के दौरान कहा, एडन चयन के लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। उनकी जगह ट्रिस्टियन स्टब्स को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। उनके पास अच्छी शुरुआत करने का मौका है। बीसीसीआई ने सीरीज से पहले खिलाड़ियों को बड़ी राहत दी थी। बोर्ड ने घरेलू सीरीज बोया बबल के नियम को खत्म कर दिया था। दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ियों को मुश्किल क्वारंटीन का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि बीसीसीआई ने बाकी शर्तों को जारी रखा था। खिलाड़ियों को एकजुट होने पर 2 कोरोना टेस्ट करवाना होगा। मार्करम भारत पहुंचने के बाद दूसरे दक्षिणी अफ्रीकी खिलाड़ियों से भी मिले होंगे। ऐसे में बाकी खिलाड़ियों पर भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन पहले मैच को जारी रखा गया। बीसीसीआई का मानना था कि बोया बबल मानसिक रूप से काफी थकाऊ होता है। आईपीएल के बाद खिलाड़ियों को राहत दी गई थी। हालांकि अब कोरोना का मामला सामने आने के बाद सीरीज पर खतरा मंडराने लगा है। 19 जून तक चलेगी टी20 सीरीज। दक्षिण अफ्रीकी टीम 9 जून से 19 जून के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी। पहला मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा, दूसरा मैच कटक, तीसरा विशाखापट्टनम, चौथा राजकोट और 5वां बेंगलुरु में खेला जाएगा। दक्षिणी अफ्रीकी टीम 2019 के बाद पहली बार भारत में टी20 सीरीज खेल रही है। भारत में अफ्रीका का रिकॉर्ड शानदार है। दक्षिण अफ्रीका ने अब तक 2 बार भारतीय जमीन पर टी20 सीरीज खेली है। 2015 में 3 मैचों की सीरीज में अफ्रीका टीम 20 से जीती थी। उसके बाद 2019 में मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी पर छूटी थी। दोनों टीमों के बीच 6 टी20 सीरीज खेला जा चुका है। इस दौरान टीम इंडिया 3 और दक्षिण अफ्रीका 2 सीरीज में जीती है। 9 जून को पहला टी20 दिल्ली में खेला जाएगा, 12 जून को दूसरा टी20 कटक में खेला जाएगा और 14 जून को तीसरा टी20 विशाखापट्टनम में और 17 जून को चौथा टी20 राजकोट में और 19 जून को 5वां टी20 बेंगलुरु में खेला जाएगा।